चार पर, 8-13 की आएगी तो वही पकड़ लेता। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सब वेलकम है आप सबका अमरिंदर सिंह ब्लॉग में। तो गाइस आज मैंने कहा है ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ मेरे एक ग्रुप वाले ट्रेन में, क्योंकि मेरे 6 पीरियड छूट गए थे और यहाँ पर चलो सबसे मिलाता हूँ सदस्य लोग से। ये है मेरे भोले भाई, जूम करके बताना। अब यहाँ पर और भी पब्लिक है, ये तो कुछ मेरे भाई क्या छोड़ते हैं ट्रेन में। ये बोला मैं और भी पब्लिक है यहाँ पर, और भी मेरे भाई, और कौन है भाई, कैसे हो आमिर भाई, और ये भी भाई देखो वहाँ देख रहे हैं ये भाई। चलो चलते हैं अभी भाई, आने वाली पब्लिक इधर सामने आ गई, आया ना और भैया क्या बोलते हैं, ये बहुत दिन से मिस कर रहा था मेरे को। अरे यार तुम छोड़ के चले गए कि जा, अरे यार मेरे को लेट आ रहा है मेरे भाई लोग, आई एम बैक इन टाइम। ये मेरे घूमते मेन आदमी है, हाँ है, ये गया था आया वो धारावाहिक का। चलो भीड़ भाड़ हो गई है बहुत ज्यादा, हाँ क्या अच्छा मैं बैठा हुआ था, ये भाई ने मस्ती की, मेरे को उठ के खड़ा रहना पड़ा था। जैसा कि आने वाला है गोरेगांव, लेकिन एक आदमी है यहाँ पर जो अपने हाथों से खाना बनाते, तो आप सबसे शेयर करते हो क्या बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं खाना? सब कुछ खाना। अरे सब तो क्या क्या, दाल सब्जी रोटी चावल, अरे क्या बात, चिकन बिरयानी, पकौड़ा बना लेते हैं। इधर देखो, मेरे को नहीं देखो, इधर कैमरे में देखो, पकौड़ा बना लेते हैं, पकौड़ा बना लेते हैं, क्या बात, खाने का कमी नहीं करते। तो ये ना राम मंदिर में पेंटिंग करते हैं, तो ये अपने हाथों से खाना पीना बना लेते हैं, तो हम उनको बोले बराबर सही सही है मेरा भी बनाते हैं। और देखो वहाँ पर सब भाई लोग आने वाला है, तो और कुछ बोलने का बोलो, क्या बोलेंगे, हो गया बस, पैसा देगा तो बोलेगा। आप लोग भी अपने घर पे पेंटिंग कराएंगे तो इनको बुला लेना, मैं लेके आऊंगा सीट के, खाली एड्रेस दे देना। क्या पकड़ के नहीं ना। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं अंधेरी, लेकिन उससे पहले मस्ती मजाक हो जाए। हां बोलो, दिस इज सटम, इज माय आइटम, हम मस्ती मजाक चलते हैं। और भाई क्या बोलते हैं, बहुत दिन के बाद रिटर्न पकड़ो, कुछ बोलने का कुछ नहीं उसको, अरे आया लो करना, अरे मिंटर बाग इधर आओ, मिंटर बाग उधर है यार, चलो आएंगे। अरे कहाँ गाँव, गाँव घूम गया है ना तुम अच्छे से, गाँव घूम गया, अरे यहाँ कहाँ देखे, इधर देखो उसको याद आ रहा है, गाँव घूम गया ना, गाँव की याद आ रहा है, गाँव की याद आ रहा है। देखिए गाइस, और आप सब भी बताना कौन कौन गांव घूम के आए, मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या बोलते हैं अभी टाइम किधर, इतना भी हो गया नेक्स्ट टाइम। तो गाइस आ गया मैं फाइनली अंधेरी स्टेशन, तो अभी जाता हूँ बस स्टॉप पर, आप लोग को शेयर करता हूँ कि बस स्टॉप के पास कितनी गर्दी रहती है। मैं पहुँच गया हूँ अपने ऑफिस की तरफ, सिर्फ 8 मिनट लगा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह सुबह निकलते हैं ना भाई, बहुत खाली खाली रहता है और जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे ही स्टॉप के पास एंट्री मारा, वैसे ही बस खड़ी थी, फटक से टिकट लिया और फटक से निकल गया। तो ठीक है चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलता हूँ ऑफिस में, आज काम बहुत है क्योंकि कल छुट्टी मारा था ना, थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हफ्ते के लिए बात। और हाँ खाने में मैंने क्या लेके आया हूँ, वही जो रात का सालन और चावल बनाए थे नजमा ने, तो वो रोटी सालन लेके आ गया हूँ, तो वही खाऊँगा क्योंकि नजमा ने बहुत मस्त बनाई थी। मैं बोला बचेगा तो देना सुबह में, तो बोले हाँ ठीक है बचेगा तो दूँगी, तो वही मैं लेके आया हूँ खाने के लिए। और मेरा भैया है सिक्योरिटी भैया, ये हमारा है ब्लू व्यू, जैसा कि आप कितनी बार देखे रहेंगे लेकिन आपको रिमाइंड करता रहता हूँ कि ये है हमारा ब्लू व्यू, ये है हमारा ब्लू व्यू। और क्या बोलता सिक्योरिटी भैया, ठीक है? वो गाँव चले गए क्या दूसरे वाले? हाँ हाँ अंकल गाँव चले गए हैं, अभी आएंगे तो उनको बताते हैं। ठीक है चलो फिर अभी जाता हूँ अंदर ऑफिस के अंदर, मिलता हूँ आप सबको, लंच का टाइम मिलूँगा, हाँ क्या लंच का टाइम डायरेक्ट 2 बजे। हाँ 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 क्या बोलते भैया, अरे इधर देखो, वो देखो उनको क्या हो रहा है पर, और क्या बोलते ऐसा मस्त है, अच्छा एकदम,
और कैसे हैं? ठीक है। और कैसे हैं बच्चे? अरे एकदम मस्त है बच्चा, लगा शुक्र है। और क्या बोलते हैं आप, अपना सुना। ये मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे को एडवाइस दिए हैं कि बॉडी कैसा बनाने का, मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। लिफ्ट चालू है। अरे नहीं जम रहा है मुझे। चलो बाय 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 बाय। अरे बाकी झाड़ू तक चल रही। चलो बाय 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 भैया। अरे क्या लव, जाने दो ना, लेट हो रहा। चलो बाय बाय। चलो बाय बाय। मस्ती करते हैं इसी, थोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं, थोड़ा सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, थोड़ा जैसा कि जिंदगी चार दिन की है तो थोड़ा मिलजुल के रहते हैं। फिर जाने के बाद पब्लिक बोलेगी अरे लड़का किधर गया, अरे वो कहाँ गया, अरे वो कहाँ गया, हर इंसान किसी को पूछता रहता है। तो ऐसे ही थोड़ा मस्ती मजाक कर लेना चाहिए लाइफ में। तो चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलते हैं तब तक के लिए। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मेरा काम हम सब कुछ हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ चाय रोटी खाने के लिए। अभी अमन भैया चाय बना रहे हैं तो आप सबको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। आप सब भी आ जाओ चाय पीने के लिए। हाँ क्या बोलूँ, बस सब ठीक है, सब मस्त। थोड़ा काला काला हो गया क्या? मैं नहीं यार, काला नहीं, मेरा कलर ही है। तो गाइस मैं आया हूँ बाहर थोड़ा टहलने के लिए और सर लोग का खाना लेने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग किससे, मेरे भैया से जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्या बोलते भैया? भैया क्या नाम है आपका, भूल गया है? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, ओ हो मोहम्मद कैफ वाला नहीं, यहाँ फ्लाई वाला मोहम्मद कैफ। और एक भैया वहाँ पर लेते हैं, ये देखो चिकन का सेव। इनके लिए एक रिश्ता आया है तो आप सबसे शेयर करूँगा कौन सा रिश्ता है वो। चलो चलते हैं खाना लेने जा रहे हैं। हाँ तो क्या हो रहा, मैं जाता हूँ रोज़ सर के लिए खाना लेने के लिए, क्योंकि उन लोग मंगाते हैं बाहर से होटल से ही, कुछ भी खा लेते हैं तो मिल ले के आता हूँ। और कैसे हैं? हाँ ये है हमारे मैडम के ड्राइवर और ये हमारा सिक्योरिटी भैया है, जैसा कि आप सबको पता ही है। हाँ और बोलो अंकल, सुनाओ आप शूटिंग कर रहे हैं? कैसे शूटिंग चालू है? और सुनाओ कैसे है? मेरे सब्सक्राइबर हैं ये। अच्छा वीडियो देखते हैं मेरा? हाँ। और मुझे बोल रहे थे सुबह आके कह रहे तुम्हारा खाली एक ही वीडियो देखा, मैं बोला पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आता रहेगा सब। अच्छा, है ना। हाँ, देखे मेरा वीडियो। हाँ, कैसा लगता है मेरा वीडियो बताओ जरा। बहुत फर्स्ट क्लास है। मेरे ऑडियंस को बताओ। हाँ नहीं नहीं बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ और बोल सकते हैं आप और क्या क्या बोलना है मेरे बारे में, कुछ तारीफ करना तो कर सकते हैं। हाँ बोलो। सब देखेंगे यहाँ पर, आपको देखेंगे, मुझे देखेंगे। हाँ हाँ अच्छा। ये है मेरी मैम के ड्राइवर है जो हमारे ऑफिस में, जो बड़े मैम है ना। ठीक है सर के लिए थोड़ा खाना ले जा रहा था। खाना खाने लेके आया तो खाना लेने जा रहा हूँ मैं, तो खाना लेके आया। अच्छा। अभी खाया नहीं, खाना भी खाऊंगा। 2 बजे अभी 1:30 बज रहा है तो पहले से बुला रहा था। आप सब भी आओ खाना खाने के लिए। हाँ रोटी और सालन खाऊंगा तो आप सबसे शेयर करूंगा, करूंगा भी नहीं भी कर सकता हूँ। चलो चलता हूँ। हाँ क्या खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खाया। आपने खाया भैया? चलो मिलता हूँ आप सबको रास्ते में। एक से एक यहाँ पर पब्लिक आती है वो भी दिखाता हूँ आप सबको। और ना पाव भाजी भी है, एक 80 रुपये का आता है पाव भाजी, उसमें चार पाव रहता है ना। चार पाव रहता है और सर पे तो भाजी ऐसी है। तो आप सभी आके यहाँ पर खाते हैं क्या, कौन कौन खाता है मुझे कमेंट में जरूर दो। अंधेरी में जरूरत है उसमें। मैं आया हूँ यहाँ पर लेने के लिए तवा पुलाव जो कि 80 रुपये का फुल मिलता है। एक फुल दो ना भाई, एक फुल लो। 80 रुपये का फुल और 60 रुपये का हाफ। तो रोटी लिया हूँ सर के लिए और तवा पुलाव। ठीक है चलो फिर ले लेता हूँ, आप सबको मिलता हूँ तब तक के लिए। दोपहर के बज रहे हैं 2:48। जैसा कि मेरा खाना पीना सब कुछ हो गया तो मैं आप सबको मिलता हूँ खाना खाने के, सॉरी खाना तो मैंने खा लिया, अब छुट्टी के टाइम पर मिलूंगा डायरेक्ट आपको वही 7:30। जैसे कि मेरे काम की छुट्टी हो गई है और मैं जा रहा हूँ सर के साथ एक्टिवा पे अंधेरी स्टेशन, जो कि 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा और बस से लगता है 1 घंटा। मालूम क्यों? आधा घंटा लाइन में खड़े रहने का, आधा घंटा लगता है ट्रैफिक से गुजरते हुए मेरे को पहुँचाती है वो। तो चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलता हूँ अंधेरी स्टेशन पर, तब तक के लिए बी केयरफुल। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया अंधेरी स्टेशन और यहाँ का क्राउड देखते हैं क्या, बस की लाइन देखो यहाँ पर। अरे देख रहे हैं बस की लाइन। तो यहाँ का क्राउड देखते हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप सब।
जाऊंगा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, 8:13 की आएगी तो वही पकड़ लेता हूँ। 8:13 रिटर्न, पत रफ्तार में भाग रहा हूँ। चलो बच्चे लोग गोद में उठा के छोड़ो फटाफट, चलो रे चलो जल्दी। अरे यार तुम लोग ना सच्ची में, तो गाइस मैंने 8:13 की छोड़ दिया ट्रेन, क्योंकि ना उसमें इतने भीड़ भाड़ थी, मेरी देख के ना हालत ख़राब हो गई, और पैसेज में अगर फंस जाता ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती। तो 8:32 की आएगी तो आप सबसे शरीर कांग्रू में चढ़ गया कि नहीं सही सलाम। देखो अभी कितना खाली होगा, देख रहे कि नहीं, 8:13 में बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता, बहुत ज़्यादा ही। तो गाइस जैसा कि मैं धानुबाग पहुँच गया हूँ, और पहुँचने के बाद में ना मेरी कल सैंडल टूट गई थी, तो मैं आया था यहाँ पर सैंडल लेने के लिए, और बाजू में दुकान है हमारे देखो इधर पर, तो अभी चॉइस करता हूँ कौन सा लूँगा, एक से एक है यहाँ पर, लेकिन मैंने कौन सा लिया मालूम, मुझे स्लीपर लिया वाला। अरे मतलब मैं कोई जानता है कितने का भाई ये वाला, 140 रुपये। तो सैंडल भी है एक से एक, ये वाला लिया था लास्ट टाइम, ये वाला तो थोड़ा ना टूट गया इसका साइड का। ठीक है चलो रेड ट्रक क्या करते हैं, और भी अंदर भी है। जस्ट मैं घर पे एंट्री मारा, और मारने के बाद मैं बैठा हूँ, रिलैक्स लिया हूँ, और अभी फ्रेश होऊंगा तो आप सबसे शेयर करूँगा कि नजमा ने खाना क्या बनाया, और मैंने कौन सी चप्पल लिया हूँ, ये वाली, ये वाली 140 बोला था, 125 रुपये में दे दिया। चलो फिर आप सबको फ्रेश होने के बाद मिलता, तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे है, सुबह के 6:15 हो रहे हैं, और मैं काम पर निकलने जा रहा हूँ। तो मैं बोला आप सबसे रात को वीडियो एंड भी नहीं किया था, और मैं खाना खाया था दाल चावल पत्ता गोभी पपड़ी की भाजी। चलो फिर निकल रहा हूँ काम के लिए, बच्चे लोग सो रहे हैं, नजमा भी माल बना रही बैठ के। चलो रास्ते में चलता हूँ, फिर बातचीत करते हैं रास्ते में। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, वेलकम है आप सबका अमरीन चैनल पर। जैसा कि मैं काम पर निकल गया, और आप लोग सोचते रहेंगे इतनी जल्दी क्यों निकला, क्योंकि कल मैं निकला था 6:33 को, और पहुंचा वहां पर 6:59 को। जो भागते भागते ट्रेन पकड़ा हूँ ना, तो मैं बोला अगर एक मिनट लेट होता हो तो बहुत हो जाता है, इसके लिए मैं 10 मिनट पहले घर से निकला हूँ कि सुकून से आराम से साइकिल चलाऊँ, और सुकून से पटरी पर अपने मतलब स्टेशन पर पहुँचूँ, भागम भागी नहीं करूं, फालतू का कभी कुछ गिला स्लिप हुआ कुछ भी हुआ, सुकून से चलाऊंगा, आराम से टाइम पर पहले निकल पहुँच जाऊँगा। तो 6:10 का अलार्म लगाया था, 10 मिनट में रेडी हो गया, और 6:20 को मैंने घर छोड़ दिया। तो चलो फिर डायरेक्ट आपको मिलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पूरे रास्ते में सिर्फ ये पहाड़ी भारी पड़ता है बस, बाकी और कुछ नहीं भारी पड़ता है। कुछ मेरे को लगा है आधा घंटा, 6:20 में निकला था, और 6:50 में पहुँचा हूँ। ये एक रास्ता जाता है, इधर से जाता है, मैं उधर से घूम के आ रहा हूँ। इसके बाद हमारी ट्रेन आएगी यहाँ 6:58 की, ये है बनेगी चर्च गेट पास। तो मैं बैठ गया हूँ रिटर्न की ट्रेन में। क्या बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे भाई, देखो क्या बोल रहे, बोलो बना के उड़ा देता है, बना के उड़ा देता है, क्या क्या कबूतर है क्या, उड़ा दूंगा ये भजाओ, क्या लगता है मैं इनका वीडियो था। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं अंधेरी मेरी ऑफिस की तरफ, और ये जा रही है हमारी 242 बस। तो सही सलामत पहुंच गया हूं आराम आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा भीड़ भाड़ में होता है। हाँ एक लड़का ना पर लेडीज़ के ऊपर गिर जा रहा था, मैं बोला बताया भैया ऐसा मत खड़े रहो, ऐसा खड़े रहो, क्योंकि तुम अगर गिर जाएंगे ना उसके ऊपर तो लेडीज़ लोग तुमको मालूम है ना कैसा है, खुद मतलब कैसा एक फिर पब्लिक ना भड़क जाती है, कह रहे तू आंख के ऊपर गिर रहा है, ऐसा है वैसा है, बाकी सब ठीक है, सब अच्छा है। चलो फिर ऑफिस पहुंच ही गया हूँ।
242 निकल रही थी, एकदम रफ्तार में भाग के पकड़ा, एकदम एकदम रफ्तार में भागा एकदम, ठीक है। आप सब लोग माइंड मत करना है कि आमिर भाई रोज़ रोज़ वही वीडियो बताते रहते हैं, वही वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ यार, मैं अभी आप लोग को अच्छा अच्छा कंटेंट इंशाल्लाह दूंगा, थोड़ा मेरे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना होता है मैं अपनी लाइफ की हर एक चीज़ें आप सबसे शेयर करता हूँ, स्ट्रगल वाली ज़िंदगी बताता हूँ कि ऐसी ऐसी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, मतलब अपने काम पर भी फोकस करो और अपने डेली लाइफ स्टाइल के बारे में भी फोकस करो। हाँ, आप सब समझते रहेंगे मैं क्या बोलता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ तो आप सब खाली एक लाइक करके चले जाना, अगर वीडियो मतलब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा, लेकिन एक लाइक तो बनता ही यार मेरी मेहनत के ऊपर, ठीक है। और आपका प्यार सपोर्ट भी मेरे को मिलता है हर बार। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे गाइस लोग को ना कुछ अच्छा कंटेंट दिखाऊँ, अच्छा कंटेंट दिखाऊँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ अभी आप सबको, इंशाल्लाह जैसा भी होता रहेगा मैं आप सबसे शेयर करता रहूँगा। तो चलो फिर ऑफिस आ गया, फिर आप सबको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में, ऑफिस जाऊँगा, काम वाम करूँगा, फ्रेश होऊँगा, 8:30 बज रहे हैं सुबह की। जैसा कि मेरे ऑफिस की छुट्टी हो गई और मैं बस पे चढ़ गया हूँ, देख रहे हैं आपसे भीड़ भाड़ यहाँ पर, और आज विजय भाई के साथ जा रहा हूँ मैं। देखो इधर हम लोग लाइन में खड़े थे लेकिन लाइन में कोई बात नहीं, चलेगा, तोड़ो बिंदास लाइन। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया अंधेरी स्टेशन, अभी जाऊँगा 8:13 पकड़ने के लिए और आपको यहाँ की भीड़ भाड़ बताता हूँ। बाप इधर मार्केट भी है। अरे यार बहुत हालत ख़राब हो गई बस के अंदर, पूरा दब गया, सांस फूल गई मेरी, वाट लग गई, लेकिन बच गया फिर भी मैं। चलो चलते हैं फटाफट, जम गए सब, बात करने को नहीं हो रहा। सो गाइस 8:13 की आ गई है, मैं आप सबको बताता हूँ कि कैसा यहाँ पर पब्लिक एकदम खच्चा खच चढ़ती है, मेरी तो हिम्मत नहीं है। देखो हाँ दिखाता हूँ, बड़े हिम्मत नहीं चढ़ने की, एक 10 मिनट लेट घर पे पहुंचूंगा लेकिन आराम से। अभी 8:32 की आएगी, सुकून से अपना चला जाऊंगा, ठीक है। तो चलो फिर 8:32 की आगे, आप सबको फिर 8:32 में मिलते हैं। हाँ फाइनली मैं लड़ते झगड़ते पहुंच गया नाला सुपारा, पूरा दिन काम किया तभी नहीं थका यार, जरा सा 1 घंटे के ट्रायल में हालत ख़राब हो गई। चलो कोई बात नहीं, हिम्मत हारेंगे, चलो चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। फिर ना साइकिल लूँगा, फिर आप सबको डायरेक्ट मिलता हूँ घर पे, मैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप सब इतने प्यार सपोर्ट से बना के रखो, इतनी मेहनत करके लाइक तो करो यार। चलो फिर डायरेक्ट आप सबको मिलते हैं धानुबाग की गलियों में, तब तक के लिए अल्लाह।